स्वागत है आपका IPL 2020 के टीम कंपैरिजन के एक और बहुत ही नए और बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो में, जहां पर दोस्तों इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीम को। जी हां दोस्तों, बात करेंगे कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और मुंबई इंडियंस की टीम का कंपैरिजन किस तरह का लग रहा है और कौन सी टीम जो है यहां पर कंपैरिजन में हमें आगे नजर आ रही है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होगी। तो अगर आप भी IPL के फैन, RCB या मुंबई इंडियंस के फैन, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। और आपको क्या लग रहा है दोस्तों, कौन सी टीम जीतेगी जब भिड़ेगी मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम, आप अपनी राय जो है कमेंट कर जरूर दें। दोस्तों यहां पर इन दोनों टीमों का जो मुकाबला होता है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है। हेड टू हेड में तो मुंबई इंडियंस की टीम काफी आगे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, जहां पर 18 बार मुंबई इंडियंस की टीम जीती है और सिर्फ 9 बार RCB की टीम जो है मुंबई इंडियंस से जीत पाई है। वहीं दोस्तों लास्ट 8 मुकाबलों की बात करें तो सिर्फ एक मुकाबला RCB की टीम जीत पाई है। लास्ट ईयर दोनों के दोनों मुकाबले मुंबई इंडियंस की टीम ने जीते थे। तो RCB की जो टीम है मुंबई इंडियंस के सामने काफी ज्यादा स्ट्रगल करती है और इसको चेंज करने के लिए RCB की टीम उतरेगी IPL 2020 में। वही मुंबई इंडियंस इसी रिकॉर्ड को दोबारा बरकरार रखना चाहेगी। चलिए कंपैरिजन को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की। तो एक तरफ जहां पर होंगे विराट कोहली, तो वहीं दूसरी तरफ होंगे रोहित शर्मा। दोनों ही बहुत ही बढ़िया कैप्टन है, लेकिन अगर बात करें IPL रिकॉर्ड्स की तो रोहित शर्मा काफी आगे हैं विराट कोहली से। और इसीलिए दोस्तों कैप्टेंसी के मुकाबले में यहां पर मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आगे लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। अब बात करते हैं दोस्तों बैट्समैन की। तो एक तरफ जहां पर विराट कोहली, AB डिविलियर्स, एरन फिंच, पार्थिव पटेल, देवदत्त पाडिकल और गुरकीरत सिंह मान नजर आने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, क्रिस लिन, सूर्य कुमार यादव, ईशान किशन और सौरभ तिवारी नजर आने वाले हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। और यहां पर बैटिंग कंपैरिजन की अगर बात करें तो रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की जो टीम है वो आगे लग रही है मुंबई इंडियंस से, जहां पर AB डिविलियर्स, विराट कोहली और एरन फिंच जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो मौजूद है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के बैटिंग लाइनअप में। अब दोस्तों बात करते हैं यहां पर दोनों ही टीमों के ऑलराउंडर कंपैरिजन की। तो एक तरफ जहां पर शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मोइन अली, वॉशिंगटन सुंदर और पवन नेगी नजर आने वाले हैं RCB की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ हार्दिक पंड्या, कुणाल पंड्या, कायरन पोलार्ड, अनुकूल रॉय और नेथन कुल्टर-नायल जो है वो नजर आने वाले हैं मुंबई इंडियंस की तरफ से। और दोस्तों ऑलराउंडर्स को अगर हम कंपेयर करें तो यहां पर हमें मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आगे लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। मुंबई इंडियंस के पास हार्दिक, कुणाल और पोलार्ड जैसे ऑलराउंडर हैं जिनका बहुत ही तगड़ा रिकॉर्ड रहा है IPL में। अब दोस्तों बात करते हैं स्पिनर्स की। तो एक तरफ जहां पर चहल, वॉशिंगटन सुंदर, मोइन अली और पवन नेगी हमें नजर आएंगे RCB की तरफ से। वहीं दूसरी तरफ राहुल चहर मेन स्पिनर होने वाले हैं, जयंत यादव बैकअप होंगे और कुणाल पंड्या भी अच्छे खासे स्पिनर है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो RCB की जो टीम है वो काफी आगे लग रही है स्पिनर के मामले में मुंबई इंडियंस की टीम से। अब दोस्तों एंड में बात करते हैं फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर्स की अगर बात करें तो एक तरफ जहां पर डेल स्टेन, उमेश यादव, केन रिचर्डसन, नवदीप सैनी और मोहम्मद सिराज हमें नजर आएंगे RCB के स्क्वाड में। वहीं दूसरी तरफ होंगे जसप्रीत बुमराह, इनके अलावा लसित मलिंगा, मिचेल मैकलेनिगन, ट्रेंट बोल्ट, कुलकर्णी जैसे फास्ट बॉलर जो है हमें मुंबई इंडियंस के स्क्वाड में नजर आने वाले हैं। और अगर हम कंपेयर करें फास्ट बॉलर्स में तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो काफी आगे लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से। मुंबई इंडियंस वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलिंग लाइनअप के साथ उतरने वाली है IPL 2020 में, और इसीलिए ये टीम जो है RCB से काफी आगे नजर आ रही है। तो दोस्तों ये था पूरा कंपैरिजन मुंबई इंडियंस और RCB की टीम का, जहां पर हमने 5 डिपार्टमेंट की बात करी। 3 में मुंबई इंडियंस की टीम आगे लगी, वहीं 2 में जो है वो आगे लगी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। तो यहां पर कंपैरिजन में तो मुंबई इंडियंस की जो टीम है वो आगे लग रही है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर से, पर क्या ओवरऑल कंपैरिजन में आगे है? आपको क्या लग रहा है, क्या मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जब मुकाबला होगा तो कौन सी टीम मारेगी बाजी? आप अपनी राय कमेंट कर जरूर दें। फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपडेट्स पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं।